नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार सिन्हा, टीचर डायरेक्टर रॉयल बोटनिकल रेडी सेंटर गया। दोस्तों, अभिभावकों, छात्रों, मैं कुछ दिन पहले ये घोषणा किया था कि आपको सावधान करने के उद्देश्य से कुछ सोशल मीडिया से लिए गए वीडियो दिखाऊंगा। उसी सिलसिले में आपको सावधान करने के उद्देश्य से आज एक ऐसा वीडियो आपको हम शेयर करने जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जाएगा कि हम लोगों की लापरवाही से कैसे हम लोगों की बाइक चोरी चली जाती है, साइकिल चोरी चली जाती है, कई तरह के सामान चोरी हो जाती है। इसके पीछे क्या चोर उतना चालाक है या हम लोग इतना लापरवाह हैं? ये वीडियो आपके आंख खोलने के लिए काफी होगा, तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और परखिए कि एक चोर किस कमी से साइकिल चुराता है, क्या ताला पर इतना भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये वीडियो, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। देखिए, ये जो गमछा लगाए हुए है यही चोर है। किस तरह से चोर एक बार देखता है आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए। एक गया इस कोचिंग के पीछे, स्पीड मैथमेटिक्स एक कोचिंग चलती है, उधर गया, यानी कि ये रेकी कर रहा है। आगे पीछे करो, पीछे करो आप, हाँ धीरे धीरे पीछे कीजिए। उसके बाद जब हम बोल दोस्तों, ये देखिए ये दोनों लड़की आके साइकिल लगा रही है और ये चोर दूसरा राउंड दे रहा है। पीछे गया था, ये अब आगे जा रहा है। ये पहले रेकी किया है कि यहाँ पर साइकिल ये दोनों लड़की लगा रही है। आप देख रहे हैं कि ये चोर आगे बढ़ रहा है और ये लड़की कोचिंग में चली जाती है। देखते रहिए, चोर आगे बढ़ रहा है। आप देखिए चोर किस तरह से, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि चोर कैसे रेकी करता है और आप चोर की बॉडी लैंग्वेज को कैसे पहचानेंगे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप अपनी साइकिल, किसी भी संपत्ति की सुरक्षा के लिए चोर कौन है, पब्लिक कौन है, आप उसको समझिए। देखिए ये रेकी किया और फिर से अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट लेने के लिए ये कोचिंग की ओर आ रहा है, क्योंकि इसको पता चल गया था यहाँ पर दो साइकिल है। यानी कि इतने देर तक ये आदमी इस गली में रेकी करता रहा। आम तौर पर हम लोग इसको पब्लिक समझ रहे हैं, लेकिन है चोर। आखिर आप लोग सावधानी पूर्वक जब तक नहीं केयर करेंगे तब तक ये आदमी चोर है या आम आदमी है नहीं पहचान पाएंगे। ये देखिए, ये कोचिंग को एक बार फिर से राउंड दिया और इस समय साइकिल हटाने का अटेम्प्ट नहीं लिया, चोरी करेगा। चोर आया, पास में चोर आया, ये देखिए पास में चोर आया, एक बार फिर से देख करके जा रहा है ये। इसी बीच में एक लड़की के कोचिंग से बाहर निकल कर देखने की कोशिश करते हुए, देखिए घूम के देख रहा है, घूम के देखा, ये लड़की बाहर से निकल गई और ये लड़का भी रेकी कर रहा है। इस तरह से आप देखिए इन सभी की मिली भगत है। ये उस लड़की के नहीं निकलने से ये चोर अभी तुरंत साइकिल उठा के ले जाता, लेकिन देखिए वहां पर बैठ करके ये सभी आपस में बात कर रहे हैं। ये लड़का भी शायद उसके साथ मिला हुआ है। ये देखिए ये चोरी करके उस लड़के को दे देगा और ये साइकिल ये लड़का ले लेगा, जो कि ये आदमी, तब ये आदमी देखिए साइकिल को चोरी करेगा, क्योंकि इतने देर से इसको डर लग रहा होगा कि अब हम इतना देर रह गए हैं इस गली में, शायद पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में कितना ज़्यादा समय दिया एक साइकिल को चोरी करने में। दूसरा देखिए, ये बॉयज लोगों की साइकिल लगी हुई है और ये लड़कियों की साइकिल लगी हुई है, लेकिन देखिएगा चोरी किसको करता है। ये देखिए आ गया चोर इतने लंबे समय तक। देखिए इस लाल कलर के साइकिल को ये नहीं चुरा सका, क्योंकि उसका ये देखिए ब्लैक कलर की साइकिल ले रहा है। एक साइकिल को हटाने के बाद ब्लैक कलर की साइकिल, इसका मतलब नई साइकिल का चाबी इसके पास में नहीं था। देखिए दोस्तों, ये साइकिल कोचिंग के दरवाजे से चोरी करता हुआ ये तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से इस लड़की के साइकिल को निशाना बनाया और ये चोर साइकिल को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों ये वीडियो, ये देखिए अब कोचिंग के डायरेक्टर के माध्यम से एक संजोग देखिए कि इनका जो सिक्योरिटी है, कोचिंग का जो सिक्योरिटी बॉयज लोग हैं, वो तुरंत बेचारा आता है और उसमें सिकड़ लगाता है। लेकिन बच्चों, थोड़ी सी असावधानी क्या हुआ कि उसके आने के पहले चोर साइकिल ले जा चुका था।
तो कोचिंग की ओर से हर संभव कोशिश की जाती है कि साइकिल को बचाई जाए। काश ये लोग एक सेकंड पहले आए होते तो उस बच्चे की साइकिल बच सकती थी। अर्थात लाख उपाय करने के बावजूद हम लोग असफल रह रहे हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये हुआ कि आप चोर को चोरी होने के पहले पहचानिए, देखिए, समझिए। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक चोर पहले रेकी किया और उस साइकिल को ध्यान में रखा जिसे काफी लापरवाही से लगाया गया था। हम लोगों से गलती क्या क्या हुई? पहली बात कि वो साइकिल जल्दी से आगे निकलकर चले जाए इसके लिए किनारे लगाया गया। नंबर टू, एक साइकिल हटाया, वो क्यों हटाया? जबकि नई साइकिल है, इसलिए हटाया कि उसका जो ताला है वो थोड़ा स्मार्ट ताला है, वो चतुर चालाक स्टूडेंट का लगाया गया ताला है। वो ताला का चाबी चोर के पास में नहीं था। अर्थात आपकी लापरवाही ये हुई कि आप एक ऐसे ताले का उपयोग किए, उस पर भरोसा किए जो कंपनी देती है, और वो ताला बहुत आसानी से चोर खोल लेते हैं। जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा साइकिल में तो, मेरा बाइक में तो, मेरी संपत्ति पे तो कोई न कोई पहरा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अर्थात मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसका दो ही सॉल्यूशन है। आप कहीं भी रहें, आपको उस पर तीसरी नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप उस सामान को ऐसे लॉक से लॉक करें जिसको बहुत आसानी से खोलकर अलग नहीं किया जा सकता है। चोर हमेशा कम से कम समय में किसी चीज को चोरी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग साइकिल में, बाइक में कोई एडिशनल लॉक लगाएं, जैसे कि चेन का, आजकल कुत्ते के गले में जो चेन आता है, आप उस चेन को खरीदिए, लिंक का एक ताला खरीदिए, बाहर से आप उसको लगा दीजिए। अकेला साइकिल भी अगर कहीं पर आप लगाते हैं, अकेला बाइक कहीं पर छोड़ देते हैं, कोई लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि छेनी हथौड़ी से तोड़ेगा तभी। हाँ, अगर आप सार्वजनिक जगह पर साइकिल ताला लगाते हैं, बाइक लगाते हैं, तो ये सिस्टम बहुत सक्सेस रहेगा। लेकिन अगर आप एक सिकड़ लगा करके, आप एक किनारे जाकर के छोड़ देते हैं, जहां पर की छेनी हथौड़ी से भी दो दो तीन तीन दिन में काट सकता है, उस जगह के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन बच्चों, इतना हम जरूर मानते हैं कि हम लोगों की लापरवाही से साइकिल या बाइक या कोई भी सामान चोरी जाती है। अर्थात लगाते समय थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आप जब जल्दी में रहोगे तो जल्दी से चोरी भी जाएगी। हमेशा एडिशनल ताले का उपयोग करें। कभी भी, मैं पिछले 10 साल से अपने स्टूडेंट को ये अलर्ट करता रहा हूं कि एडिशनल, लेकिन बच्चे अलर्ट नहीं होते। कंपनी के द्वारा दी गई ताला कभी भी खोला जा सकता है, क्योंकि उसका टेक्निक चोर के पास में है। आप कौन सा ताला लगाए हुए हैं, इसका तो टेक्निक नहीं है उसके पास में। इसलिए आपका बाइक, आपका साइकिल बहुत आसानी से निश्चिंत होकर के सुरक्षित रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लाख पहरेदारी आप करते रहिए, आसानी से आपकी साइकिल, बाइक चोरी जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे। वीडियो आपको अलर्ट करने में सफल हुआ होगा। इसको देखकर आप लाभ उठाएं और अपना कमेंट जरूर दें कि क्या आपको लाभ हुआ या नहीं। आगे और भी किस मैटर पे आपको अलर्ट करें, इसका मार्गदर्शन भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।